नमस्कार दोस्तों, खबरें उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रयागराज ईश्वर दीन साहू की रिपोर्ट। पितृ पूर्वजों के आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हेतु गरीबों को दी सहायक भोजन सामग्री। प्रयागराज जनपद के श्रीमनकामेश्वर मंदिर व बड़े हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में जय माधव सेवा संस्थान के माध्यम से पितृपक्ष के पावन अवसर पर बुजुर्ग वृद्धजनों को भोजन प्रसाद वस्त्र फल बर्तन का दान वितरण आदि किया गया, जिसमें असहाय गरीब वंचितों को सहायतार्थ सामग्री का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया। संस्थापक जय माधव सेवा संस्थान के अनंत पांडे उर्फ डंपी भैया ने बताया कि सनातन धर्म के सभी अनुयायियों के पितृ पूर्वजों के आत्मा को मोक्ष प्राप्ति प्रदान हेतु गरीब असहाय वंचित बेसहारा लोगों को वस्त्र बर्तन फल अन्य वह सभी सामग्री प्रदान की गई। इस अवसर पर श्री मनकामेश्वर मंदिर महंत ब्रह्मचारी श्रीधरानंद महाराज, ब्रह्मचारी विधायनंद महाराज, अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मऋषि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा आदित्य महाराज, ब्रह्मचारी श्री रामदास महाराज, आचार्य हरिकृष्ण शुक्ल गुरु जी और संस्था के हनुमान शंशाक पाठक माठा, दीपक शर्मा, सौरभ तिवारी, एडवोकेट विजय शुक्ला, मनीष पांडे, गोपाल जी पाठक, पिंटू शुक्ला, अमन केसरवानी, नीरज, आशीष केसरवानी, लालू जायसवाल आदि लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। इसके माध्यम से जो पितरपक्ष है, जो पितरों का सबसे बड़ा दिन माना गया है, पितरपक्ष में सभी के हमारे सत्य सनातन धर्म के जितने भी अनुयायी हैं सभी के पितरों के लिए, क्योंकि सबके पूर्वज सब माँ बाप के समान ही होते हैं, तो सभी पूर्वजों के लिए आज माधव सेवा संस्थान के माध्यम से हमारे श्री अनंत भैया डंपी भाई हम लोग को सभी को एकत्र करके माधव सेवा संस्थान के माध्यम से आज गरीब असहाय वंचित बेसहारा लोगों को बर्तन के माध्यम से, वस्त्र के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, पितरों के सुख समृद्धि और सभी जनमानस के कल्याण के लिए यहाँ पे प्रतिदिन की भांति, ऐसे तो हम लोग का प्रतिदिन लंगर वगैरह चलता रहता है। हम लोग एक महान उद्देश्य के लिए समर्पित हैं जिसके अंतर्गत हमारा भारत स्वाभिमान के साथ विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो, तो उसी की पंक्ति में आज हम लोगों ने अन्य यहाँ पे अन्य क्षेत्र का कार्यक्रम रखा था, जिसमें हमारे सभी युवा लोग उपस्थित हुए हैं। हर हर महा